बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस लेक्चर में मैं कुछ जो हमने क्लास में अब तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि आपको कुछ समझ आ जाए कि अब तक हमने क्या पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, हो सकता है कि तमाम सब स्टूडेंट्स को कुछ को याद हो, कुछ को याद ना हो। तो इस लेक्चर में हम ये रिव्यू करेंगे कि क्या हमने अब तक पढ़ा है। तो काइंडली इस लेसन को इजी कंसंट्रेशन से समझें, सुने और देखें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम क्वेश्चन, हम इसमें जब ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसमें हम मजीद इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमने अगर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था तो इसका फर्स्ट पॉइंट था एटम के बारे में कि ऑल एटम इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, सॉरी ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ एटम्स, मीन कोई भी मैटर। अब आपको पता है कि मैटर की बेसिकली थ्री टाइप्स होती हैं। अगर थोड़ा सा आपको रिव्यू करेंगे, मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मैटर, जैसे ये मैटर है, मैटर तीन स्टेट्स में पाया जाता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर हम गैस और लिक्विड को धीरे डिस्कस नहीं करेंगे इस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन हम सॉलिड में बात करेंगे। सॉलिड में बेसिकली तीन दो टाइप होती हैं, एक नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं। इसमें बहुत जनरल सा डिफरेंस, एक शार्ट सी एक लाइन की डेफिनेशन अगर आपने माइंड में बैठा लें कि नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल वो मटेरियल जिसमें एटम की अरेंजमेंट डिसऑर्डर में होती है, मतलब कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होती, पीरियोडिक अरेंजमेंट नहीं होती, डिसऑर्डर में होते हैं। तो ऐसे हम ऐसे मटेरियल को कहते हैं कि नॉन क्रिस्टलाइन है। जैसे ये रेंडम रेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम होती है, जबकि क्रिस्टलाइन की जब बात करते हैं तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न होता है। जैसे एक पैटर्न होता है कि क्रिस्टल का, फर्स्ट क्या सोडियम सोडियम क्लोराइड का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, इस तरह किसी भी एक मटेरियल का एक स्पेसिफिक पैटर्न है। यू समझ लें, अगर किसी मटेरियल का एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा थ्रू आउट द मटेरियल तो हम ऐसे मटेरियल को कहेंगे ये क्रिस्टलाइन है, और नॉन क्रिस्टलाइन ऐसे मटेरियल को कहेंगे कि अगर उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, क्योंकि वो अरेंजमेंट कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो ऐसे मटेरियल का हम नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करते हैं। तो आगे जैसे कार्बन है, ये मॉर्फस है, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल है, वुड है, होगी ग्लास, बास ग्लास है, बास क्रिस्टलाइन भी होता है लेकिन बास नॉन क्रिस्टलाइन ग्लास होता है। इस तरह बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल बन सकती हैं। अब हम जब क्रिस्टलाइन मटेरियल की बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन मटेरियल में बेसिकली तीन तरह के मटेरियल्स हो सकते हैं, कंडक्टर होता है, सेमी कंडक्टर होता है, या इंसुलेटर होता है। हम इसको मजीद आगे भी डिटेल करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं और इंसुलेटर किसे कहते हैं, हम आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। एनी हाउ, उसके बाद हमने बोहर मॉडल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें बोहर ने एक प्लेनेटरी मेथड दिया, उनके एटम को समझने के लिए एक प्लेनेटरी मेथड दिया, जिसके वजह से उसने डिफाइन किया कि एटम एटम का सेंट्रल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जैसे ये है, और उसके कंसेंट्रिक सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने जैसे ये पॉजिटिव पर चार्ज एक जैसा होता है लेकिन एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, और उसको इसके उसने शेल में डिवाइड भी किया, के एलिमेंट शेल में डिवाइड किया। एटॉमिक नंबर के लिहाज से भी इसमें हमने डिस्कस किया था कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एक होता है मास नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन्स के अंदर कितने न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और ये भी याद रखें कि किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे आप एग्जांपल की कार्बन की एग्जांपल लें, अगर इसमें 6 प्रोटॉन हैं तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये समझिए, और इनका टोटल एटॉमिक मास जो होगा वो 12 होगा, जिसे कार्बन की एग्जाम्पल दी है। उसके बाद इसके डिफरेंट ऑर्बिट को डिफाइन किया के इसके फर्स्ट ऑर्बिट को के, सेकंड को एल, थर्ड को एम, और इसके एन एलिमेंट शेल कहते हैं, इसमें डिफरेंट शेल्स में डिफाइन किया। शेल भी कह देते हैं, ऑर्बिट भी कह देते हैं, शेल या ऑर्बिट में डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स, हमने इसको भी डिस्कस करने की कोशिश की थी। जैसे इसका बेसिक फॉर्मूला है कि 2n² यानी कि 2n² डिफाइन करेगा कि किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट मींस कि अगर फर्स्ट n1 है
तो इसका मतलब इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है जिसको पे शेल कहेंगे, एन टू है इसके अंदर आठ है, एन थ्री है इसके अंदर 18 है, N4 है तो इसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग एंड सो ऑन. इट मींस के बेसिक फॉर्मूला आपने याद रखना है ये वाला N2N2, इट डिफाइंस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल ऑर्बिट. मजीद आगे अगर आप देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्कस किया था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज द वैलेंस. देखें एक न्यूक्लियस के गिर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं, जैसे ये देखें, ये मैंने बताया कि ये न्यूक्लियस है कौन सी. अब न्यूक्लियस के गिर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट, डिफरेंट ऑर्बिट है. अब मैं सपोज करता हूँ कि ये एक ऐसा एटम है जिसके अंदर तीन ऑर्बिट है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम कहेंगे वैलेंस ऑर्बिट, और वैलेंस ऑर्बिट कहेंगे. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आई डजंट मैटर कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसको हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो जनरल डेफिनेशन यूं समझ लें कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सॉरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका आउटर मोस्ट किसी एटम का जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देंगे. आगे आयोनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन क्या होता है. सिंपल सी डेफिनेशन हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि आयोनाइजेशन क्या होता है, कि लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू समझ लें आप कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन गेन करना या लूज कर देना. जब गेन करता है तो हम कहेंगे कि इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब लूज करता तो नेगेटिव चार्ज आ गया. तो प्रोसेस ऑफ लूजिंग ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयोनाइजेशन. इलेक्ट्रॉन का लूज हो जाना, जैसे हाइड्रोजन एटम एक सिंपल एग्जांपल है. अगर हाइड्रोजन एटम है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन एस्केप चला निकल जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. आप बताए कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जबकि हाइड्रोजन एटम के एक ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है. इट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन मजीद आ सकता है, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये पॉजिटिव है, या अगर लीव कर जाएगा तो ये नेगेटिव है. अभी आएगा ही नहीं आएगा, एक डिफरेंट स्टोरी है, हम इसको डिस्कस नहीं करते. तो हम जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं. प्लीज इसको फिर अगर टिपिकली लॉजिकली बयान किया क्वांटम मॉडल ने, अब जो हमने उसको डिस्कस किया वो प्लैनेटरी मेथड था, अब क्वांटम मॉडल में हमने डिस्कस किया. अब इसके दो बेसिकली मॉडल थे, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ये है कि उसने ये कहा कि एटम पार्टिकल जो है ना ड्यूल नेचर रखता है, यानी कि ये पार्टिकल नेचर भी है और उसकी वेव नेचर भी है. और वेव नेचर की बात की जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, और उसकी वेव स्पीड भी होगी. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या थी, क्या था कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियस बोथ पोजीशन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आर अनसर्टेनिटी. उसका कहने का मतलब यह है कि एक ही वक्त में हम पोजीशन और वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. इसका मफहूम यह है, इसका मतलब यह है कि एक ही वक्त में हम दो चीजें नहीं कैलकुलेट कर सकते, एक चीज कैलकुलेट करेंगे एक चीज हम कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. मजीद क्वांटम मॉडल ने जो ऑर्बिट बोहर ने कहा था KL11, उसने मजीद उसको सब शेल में डिवाइड किया और सब शेल का नाम दिया SPDF. ये नाम याद रखना है, SPDF शेल, सब शेल में डिवाइड किया. अब इसको मजीद डिफाइन किया कि S शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे, P ऑर्बिट कैन होल्ड 6 इलेक्ट्रॉन्स, D कैन 10 एंड F कैन 14 इलेक्ट्रॉन. अब ये स्टैंडर्ड है कि S की जब शेल की बात की जाएगी जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आएंगे अकॉर्डिंग टू बो एटॉमिक मॉडल. ये भी याद रखें कि हम इधर क्वांटम मॉडल को डिस्कस करें तो उसके मुताबिक अगर P है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, और अगर D है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और F है जो तो उसमें 15 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटम मॉडल. Anyhow, आगे उसने डिफाइन भी किया है, जैसे नाइट्रोजन की एग्जांपल दी गई है इधर. यस, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 और मास नंबर 14 होता है. अब इसमें उसने डिफाइन किया है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल ऑर्बिट होता है, और आगे नेक्स्ट जो होते हैं वो इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ये आपने याद भी रखना है, इसको मेमोराइज करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है कि डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, काइंडली इसको मजीद रिव्यू कीजिएगा। ये जर्मेनियम और नाइट्रोजन है, इसमें इसके अलावा भी आपसे पूछी जा सकती है किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको करनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऊपर पीरियडिक टेबल गुजरा है, पीरियडिक टेबल को डिस्कस कर लें, देख लें हर एलिमेंट की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ये बहुत क्लॉड मॉडल है, वेरी टिपिकल है, इसको समझना, लेकिन इसको उसने डिफाइन किया है, इसको भी आप समझने की कोशिश करें। आगे इसके क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप रिव्यू कर लीजिएगा। मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, अब हम जब मटेरियल यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इसमें सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है, मटेरियल है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल होते हैं। हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या होते हैं जिसमें एटम की अरेंजमेंट प्रॉपर हो, मीन पीरियोडिक हो। जैसे सपोज करता हूँ कि ये एटम है, ये एटम है, ये एटम है, उसके बाद ये इस तरह की अरेंजमेंट जो है, इसे कहते हैं पीरियोडिक। ठीक है, ये पीरियोडिक अरेंजमेंट है, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। तो वैसे कॉमनली कोई भी एलिमेंट होता है उसकी तीन चार किस्म की अरेंजमेंट हो सकती है, या तो उसकी एफसीसी सिंपल क्यूबिक होगा, या फेस सेंटर्ड एफसीसी कहते हैं, फेस एफसीसी, यस फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और थर्ड है बॉडी बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ये बेसिक ये है कि कोई भी एलिमेंट है इनमें से तीन में से एक स्ट्रक्चर होगा, या सिंपल क्यूबिक होगा, या फेस सेंटर्ड होगा, या बेस सेंटर्ड। तो हमने लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस किया था, होप आई मैंने इसमें भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हो, आपको रिव्यू कर देता हूँ शायद इसमें। यस, ये देखें इसमें हमने बात की थी कि सिंपल सेंटर सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी सेंटर का कैसा होता है, और फेस सेंटर का कैसा होता है। ये हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया था, ये आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा, पिक्चर आपके सामने है तो आप इसको मजीद इसको देख लीजिएगा। आगे हमने इसके इंसुलेटर कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा था, ये भी आई होप है कि आपको समझ आ गई होगी, ये भी आप अच्छे अंदाज से करेंगे। बैंड गैप के बारे में पढ़ा था, बैंड गैप क्या होता है ये आपने अच्छे अंदाज से इसको रिव्यू करना है। आगे कंपेरिजन पढ़ा था, एटम और सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में कंपैरिजन करें, ये भी हमने पढ़ा था, इसको आप अच्छे अंदाज से रिव्यू कर लीजिएगा। डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के एटम में डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन से बताएं। उसके बाद सिलिकॉन और जर्मेनियम का डिफरेंस क्या है, ये भी आपको आया था, इसको भी अच्छे अंदाज से आप रिव्यू कीजिएगा। आगे इसका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या चीजें हैं, ये बोन कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और ये इसमें कैसा होता है, ये हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद करंट इन सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, ये अगर हम जनरल क्रिस्टल की बात करते हैं, जनरल क्रिस्टल में देखें ये सिलिकॉन की बात करते हैं, तो जब ये हीटअप होता है, हीटअप होने के बाद क्या होता है कि वो बोन जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, टूटता है, टूटने के बाद वो इलेक्ट्रॉन उधर से निकलता है, तो पीछे जो स्पेस बाकी बचता है तो हम उसको होल का नाम देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। इस तरह ये ब्रेकिंग होती रहती है और इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। आगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी आप इसको मजीद रिव्यू कर लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से भी समझ लीजिएगा कैसे इलेक्ट्रॉन होल को कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल से डिस्कस की थी अगर आपको याद हो। आगे एन टाइप और बी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, वो बनने का तरीका हमने डोपिंग को डिस्कस किया था, ये भी आपने समझा होगा, मजीद इसको रिव्यू कर लीजिएगा। डोपिंग क्या होती है, एन टाइप पी टाइप मटेरियल कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी क्लास के अंदर, होप है कि इसको मजीद आप रिव्यू कर लीजिएगा। अगर पी एन जंक्शन कैसे बनता है कि हमने डिस्कस किया था, जब पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल को सपोज ये आपका क्रिस्टल है सिलिकॉन क्रिस्टल, अब इसका हाफ जो आपने पी टाइप डॉप कर दिया है, हाफ एन टाइप डॉप कर दिया, तो अब इसके दरमियान जो जंक्शन बना दैट इज कॉल्ड द पी एन जंक्शन, और इलेक्ट्रॉन जो है फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जंप करना शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता, इधर उन्होंने नेगेटिव चार्जेस की लेयर बना दी, इधर पॉजिटिव चार्ज की लेयर बना दी, और एक तरह इधर डिप्लेशन लेयर जनरेट हो गया, डिप्लेशन लेयर जनरेट हो गया, और उसको हमने डिप्लेशन रीजन का डिस्कस किया, हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया था, होप कि आपको समझ आ गई होगी। मजीद आप लिटरेचर को रिव्यू करेंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। काइंडली डोंट बी वरी, आप परेशान ना हो, इसको आप अच्छे अंदाज से समझेंगे तो अच्छे अंदाज से पढ़ने का मौका मिलेगा। और भी ऑनलाइन कंसेप्ट होते हैं तो आप टाइम दें और रीडिंग के लिहाज से कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पर करम करेगा,
हम मिलजुल कर इस तरह कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे एनर्जी डायग्राम की मदद से ये भी अच्छे अंदाज से कीजिएगा, एनर्जी डायग्राम की मदद से इसको एक्सप्लेन कैसे करना है इंजेक्शन को, ये भी रिव्यू कीजिएगा। ये हमारा पहले चैप्टर की रिवीजन थी, आई होप कि ये आपने समझ ली होगी। आप कोशिश करें कि मजीद इसको अच्छे अंदाज से समझें। आगे जब हमने नेक्स्ट चैप्टर के सेकंड चैप्टर भी हमने स्टार्ट कर लिया था, उसका भी कुछ रिव्यू कर देता हूँ। यस, डायोड एंड एप्लीकेशन। डायोड हमने एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था। सबसे पहले डायोड जब हमने पीएच जंक्शन को डेवलप कर दिया, तो डायोड कैसे डेवलप होता है उसको हमने डिस्कस किया था कि एक तरफ पी है, एक तरफ एन टाइप है, इसको एक केस के अंदर बंद कर दिया, एक को एनोड कह दिया, एक को कैथोड कह दिया, कैथोड को नेगेटिव एन टाइप की तरफ कनेक्ट कर दिया और पी को पी टाइप दे दिया। आपने इसका सिंपल डायग्राम भी अच्छे अंदाज से इसको समझना है। आगे इसके डिफरेंट ये आपने जस्ट रिव्यू कर लेना है, इसको समझनी है। ह्यूमन लैब्स में ये वाले डायोड जो है अवेलेबल होते हैं, ये याद रखें कि ये वाले डायोड जो है लैब में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद डायोड फॉरवर्ड बायस कैसे होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, नेगेटिव को नेगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। उसके बाद बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में बैरियर पोटेंशियल करीब करीब आ जाते हैं, कंडक्शन शुरू होती है। अगर ये स्लीक है ना तो हमें पोटेंशियल मिनिमम 0.7 से ग्रेटर देना पड़ता है, अगर जर्मीनियम है तो 0.3 से ग्रेटर देना पड़ेगा, तो फिर ये कंडक्शन प्रॉपरली स्टार्ट कर देगा। आगे डिप्रेशन रीजन क्या होता है, ये सारी चीजें आप इसके होप पे हमने डिस्कस की थी। रिवर्स बायस कैसे होता है, रिवर्स अप्लाई करेंगे, ये रेजिस्टेंस लगाने का पर्पज ये होता है कि ये करंट को लिमिट में रखते हैं। कि डायोड अगर आपका डायोड 5 वोल्ट को बियर करता है, तो अगर आपने इधर 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है आगे 5 वोल्ट ही ट्रांसफर करेगी, 5 वोल्ट इधर ही ड्रॉप हो जाएगी, तो ये पर्पज होता है कि ये लिमिटिंग रेजिस्टेंस भी कहलाती है। ये भी आपको मैंने बता दिया, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। आगे रिवर्स ब्रेकडाउन क्या होता है, ये हमने इसके आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे अंदाज से करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड है, फॉरवर्ड बायस में कैसी होती है, रिवर्स बायस में कैसी होती है, ये वाली कि सपोज फॉरवर्ड बायस में जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा तो थोड़ा वो 0.7 तक तो वोल्टेज बढ़ेंगे, करंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक उसके बैरियर पोटेंशियल को अचीव नहीं किया जाएगा, करंट डायोड करंट कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही बैरियर पोटेंशियल को अचीव करेगा तो करंट कंडक्ट करना शुरू करेगा। तो अब आपको ये देखेंगे, ये अगर ये आइडियल केस होता तो यूं स्ट्रेट जाता, लेकिन स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व है। कर्व का मतलब है कि इसमें डायनामिक रेजिस्टेंस है, मटीरियल डायनामिक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से कुछ लॉस होता है, उसको भी हमने डिस्कस किया था। आई होप कि आप इसको मजीद डिस्कस करेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होती है, या आप इसको देख लीजिएगा। कंप्लीट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप डिस्कस करेंगे। अगर पेपर में कंप्लीट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स को बनानी पड़ेगी, इसका फॉरवर्ड बायस का प्रोसीजर भी बताना पड़ेगा, इसका रिवर्स बायस का प्रोसीजर बताना पड़ेगा। आप इसको कंबाइन बना के एक स्टोरी अपने वर्डिंग में अगर समझ के पढ़ेंगे, तो आई होप के ये अच्छे अंदाज से आप कर पाएंगे। इस तरह ये भी टेम्परेचर के से भी बताया गया, इसको भी आप देख लेंगे। आगे डायोड मॉडल्स के बारे में है, ये हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, तो आई होप इधर तक आप तमाम स्टूडेंट्स काइंडली इसको रिव्यू करें, समझें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया वी चैट, सॉरी व्हाट्सएप, एंड वी कैन डिस्कस ऑनलाइन ऑल्सो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।